हेलो स्टूडेंट तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में हम जो देखेंगे वो है यूनिट फाइव के एंजाइम के एक और टॉपिक दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम में हमें क्या देखना रहता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम में हमें देखना रहता है कि एंजाइम किस तरह का बिहेव करता है और अगर वो किसी तरह का बिहेव कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है तो जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं एंजाइम्स की वो अगर हम देखें तो वो पांच तरह के एंजाइम्स की, की प्रॉपर्टीज हम बताते हैं ठीक है तो पहली प्रॉपर्टी है वो है कैटालाइटिक प्रॉपर्टी ठीक मतलब हम ये सभी जानते हैं कि हमने डेफिनेशन में बताया था कि एंजाइम जो है वो एक कैटालाइसिस की तरह काम करता है कैटालाइसिस की तरह काम करता है मतलब वो रिएक्शन की स्पीड को गवर्न करता है ठीक है या तो वो घटाता है या बढ़ाता है जनरली जो एंजाइम्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं वो सभी रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं उसकी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को या हम बोलें कि स्पीड ऑफ रिएक्शन को वो क्या करते हैं बढ़ाते हैं तो वो कैटेलाइटिक एक्टिविटी किस तरीके से देते हैं ये हमको देखना होगा दूसरी रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन ठीक है मोस्ट ऑफ दी और बहुत सारी ऐसी बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है जो कि एंजाइम देते हैं वो रिवर्सिबल इन नेचर होती है ठीक है तो हम उसकी उस प्रॉपर्टी को देखेंगे सेंसिटिविटी ऑफ द हीट एंड द टेम्परेचर एंजाइम्स का हमने ये पहले शुरुआत में जब हमने कैरेक्टरस्टिक्स देखे थे इन द डेफिनेशन तो हमने ये बताया था कि एंजाइम्स जो होते हैं वो थर्मोलेबाइल इन नेचर होते हैं तो थर्मोलेबाइल इन नेचर होते हैं तो वो कैसा अपना सेंसिटिव सेंसिटिविटी बिहेवियर दिखाएंगे टू वर्ड्स द टेम्परेचर या हीट ठीक है अगर हम उसमें टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कैसा उसका एक्टिविटी पर असर पड़ेगा सेंसिटिविटी टू द पीएच जैसा जैसे कि हम सेंसिटिविटी पीएच एच टेम्परेचर की देखेंगे वैसे पीएच की भी देखेंगे कि पीएच जो है वो कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी एंजाइम की कैटेलाइटिक एक्टिविटी के लिए और लास्ट वन जो है वो मैंने लास्ट में रखी है ठीक है दैट विज बी स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम एंजाइम जो होते हैं हमने ये डेफिनेशन में भी बोला था कि दे आर यूनिक इन नेचर एंड यूनिक इन द एक्टिविटी सो इट मीन्स दे हैव द स्पेसिफिसिटी तो स्पेसिफिसिटी जो होती है एंजाइम्स की वो फिर फर्दर हम डिफरेंट टाइप्स में उसको क्लासीफाई कर सकते हैं देर आर दी सिक्स टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशंस सबस्टेट एंड स्पेसिफिसिटी रिएक्शन स्पेसिफिसिटी बॉन्ड स्पेसिफिसिटी ग्रुप स्पेसिफिसिटी को फैक्टर स्पेसिफिसिटी एंड द लास्ट वन इज द स्टीरियो स्पेसिफिसिटी या हम बोलें कि ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी ठीक है सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम्स जिनको हमको एक्सप्लेन करना है अंडर द हेडलाइन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम्स ठीक है जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम को एक्सप्लेन करेंगे तो इन्हीं पांच तरह की प्रॉपर्टीज को हमको एक्सप्लेन करना है इन द कंटेंट ठीक है तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज देखिए कैटालाइसिस रिएक्शन क्या है तो हमने ये पहले बोला था कि जब भी हम कैटालाइसिस Uh, कोई भी मॉलिक्यूल जब कैटालिसिस की तरह बिहेव करता है तो वो खुद को उस रिएक्शन में इन्वॉल्व करता है और लास्ट में खुद अनचेंज होकर बाहर निकल जाता है और वो उस जो जिस रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ है उस रिएक्शन की स्पीड को या तो घटाता है या बढ़ाता है ये हम बार बार देख चुके हैं तो एंजाइम्स जो है जब वो कैटेलाइटिक एक्टिविटी देता है तो वो कैसे हमने ये बोला कि जितने भी नेचुरल एंजाइम्स होते हैं दे आर जनरली इंक्रीजिंग दी रेट ऑफ रिएक्शंस ठीक है या हम ये बोले इसको सिंपल भाषा में कि वो बहुत आसानी से उस रिएक्शन को कहोने में मदद कर रहे हैं तो ये कैसे कर रहे हैं देट्स ए क्वेश्चन ठीक तो हम ये जब कैटेलाइटिक एक्टिविटी आप बताते हैं एंजाइम की तो हम ये बोलते हैं कि देर द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द एंजाइम इज सफिशियंट टू कन्वर्ट दी लार्ज नंबर ऑफ द सब्स्टेट इंटू द प्रोडक्ट ठीक है एक बहुत कम अमाउंट ऑफ द एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट द नंबर ऑफ सब्स्टेट इंटू द प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट तो को जितना ज्यादा वो प्रोडक्ट बना पाएगा इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो पोटेंसी वो बहुत ज्यादा है स्मॉल अमाउंट ऑफ द जो एंजाइम है वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ द सब्स्टेट को जो है वो कन्वर्ट कर सकता है प्रोडक्ट में इसी को एक नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं टर्न नंबर हर एंजाइम का एक अलग से टर्न नंबर होता है टर्न नंबर मतलब यह हो गया कि नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ठीक है कन्वर्ट बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ द एंजाइम इन पर सेकेंड एक सेकेंड में एक एंजाइम का मॉलिक्यूल कितने सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहा है इनटू टू द प्रोडक्ट ठीक है बाय ऑक्युपाइंग देयर सबस्टेट साइट ठीक है उस एंजाइम की सबस्टेट साइट को ऑक्यूपाई करके वो कैसे उससे कर रहा है तो हमने ये देखा कि ये जो एंजाइम है ये बहुत कम मात्रा में ठीक है उसकी कैटेलाइटिक एक्टिविटी दे रहा है लार्ज नंबर ऑफ दबस्टेट को तो हाउ इट इज डूइंग ये कैसे कर रहा है इसको अगर हमको एक्सप्लेन करना है तो हमको एक चीज और पढ़नी पड़ेगी और वो है एक्टिवेशन ऑफ दी एनर्जी क्या पढ़ना पड़ेगा एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ठीक है एक्टिवेशन मैंने ये जो ग्राफ बनाया है ये एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी का ही ग्राफ है और इसको जब हम बताएंगे जब इसको हम समझाएंगे तो इसमें हम ये बताएंगे हाउ हाउ द एंजाइम्स हाउ द एंजाइम्स इज डूइंग दैटेलाइटिक एक्टिविटी ठीक है यही हमको समझना है तो इसको समझते वक्त जब हम आ, बताएंगे तो यह बताएंगे कि एंजाइम्स जो होते हैं देखिए हमको के लिए भी समझाना पड़ेगा जितनी भी नेचुरल रिएक्शंस होती हैं उसमें प्रोडक्ट का जो आ, आप इसको यूं बोल लीजिए कि एंथेल्पी या आप बोल लीजिए एंट्रोपी ठीक है या हम ये बोलें कि प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है वो लोअर होती है इन कंपेरिजन टू दी सबस्टेट सब की जो है एनर्जी लेवल वो, वो ज्यादा होता है तो हमने ये देखा है कि जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शन है जब हमने हमने पढ़ा था तो हमने ये देखा है कि जो भी बायोलॉजिकल कन्वर्ट होता है तो वो हमेशा हायर टू लोअर जाता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि वो जितना कम एनर्जी लिए हुए होगा उतना इजीली प्रोडक्ट बना पाएगा ठीक है तो ये टेंडेंसी होती है हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शन की कि वो इजीली कन्वर्ट हो जाए सबस्टेट से प्रोडक्ट में ये एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है ये भी इस एंजाइम के रिएक्शन को फैसिलेट करती है मतलब उसको सहायता करती है ये वाली टेंडेंसी होना ठीक है थर्मोडाइनेमिकली अगर हम थर्मोडाइनेमिकली देख रहे हैं दूसरी चीज मैंने यहां पर एक ग्राफ बनाया है और दो एरो बनाए हैं दोनों एरो में यह समझाया गया है इस ग्राफ से यह समझाया गया है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सबस्टेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए तो एनर्जी जो है वो सबस्टेट की एक यहां से मैं इसको ऐसा लिखता हूं एक एनर्जी जो है वो यहां से यहां तक की रिक्वायर्ड है और एक एनर्जी जो है वो यहां से यहां तक की रिक्वायर्ड है अगर हम यू बोले तो ये ऐसी है है ठीक प्रोडक्ट और इसके बीच की दूरी इतनी है और प्रोडक्ट और इसके बीच की दूरी ऐसी है आप किधर से भी ग्राफ को समझा सकते हैं तो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी मतलब सबस्टेट को वो एनर्जी सबस्टेट एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है सबस्टेट की वो एनर्जी जिसके द्वारा वो अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पा रहा है तो वो जब इस तरह के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसे किसी ने किसी तरह की केमिकल रिएक्शन से गुजरना होगा जब वो केमिकल रिएक्शन में जा रहा है तो वो एक इंटरमीडिएट के थ्रू जा रहा है मतलब सबस्टेट जो है अगर मान लीजिए ये सब ये ये सबस्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो जब वो जा रहा है तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बन रहा है जो तो इसका मतलब एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि सबस्टेट का उस इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होना अगर हम इसमें बोले सिंपली अगर सब्स्टेट एंजाइम uh, के साथ बाइंड करेगा तो वो सबस्टेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो एंजाइम कर कह रहा है अगर नॉर्मल रिएक्शन हो रही है तो सबस्टेट को उस इंटरमीडिएट स्टेट में जाने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत हो रही है ठीक है इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी उसको एक्टिवेट करने के लिए रिएक्शन में जाने के लिए जो एनर्जी है वो ज्यादा लग रही है तो अगर ज्यादा लग रही है तो वो ऐसे नॉर्मली तो चला नहीं जाएगा तो उसको हमको ज्यादा एक्टिवेट करना पड़ेगा हीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी या ज्यादा उसको एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके सबस्टेट जो है वो नॉर्मल प्रोडक्ट में कम होगा और हो सकता है कि प्रोडक्ट का जो इल्ड है जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वांटिटी भी कम हो ये कम प्रोडक्ट बने इंजन क्या कर रहा है कैसे कैटेलाइटिकट है इट रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी वो उस एंजाइम के एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दे रहा है कम कर दे रहा है सॉरी सबस्टेट की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दे रहा है कम कर दे रहा है सबस्टेट की एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से वो इजीली से ट्रांजिशन स्टेट में चला जा रहा है और इजीली से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है आप इसको ऐसा समझिए कि एक व्यक्ति जो है जैसे मान लीजिए यहां पे एक कोई व्यक्ति खड़ा है उसे ये हिल चढ़ना है ठीक है कुछ सामान लेके अब अगर वह हिल पर यह चढ़ रहा है तो उसको यहां पर एनर्जी ज्यादा लगेगी उसको अपने आप को यहां पर ऐसे लाने में कन्वर्ट करने में एनर्जी ज्यादा लगेगी लेकिन कोई इस हिल को अगर छोटा कर दे उसकी हाइट को कम कर दे तो इसी व्यक्ति को जो है यह सामान यहां से ले जाने में इजीली होगी तो इंजन यही कर रहा है इसको हम ऐसी भाषा में समझ सकते हैं नॉन टेक्निकल भाषा है ठीक है तो इसमें इसने क्या किया कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही थी किसी रिएक्शन को करने के लिए वो उस एनर्जी को इसने क्या कर दिया कम कर दिया इसके कारण सब्सडेड जो है बहुत इजीली प्रोडक्ट में बन जाता है बाय डूइंग दिस मेथड इस मैकेनिज्म के थ्रू जो एंजाइम है वो अपनी जो कैटलाइटिक एक्टिविटी को शो कर पाता है ठीक है तो यहां पर आपको समझ में आया होगा मैं फिर से आपको समराइज कर देता हूं

तकरीबन हजार एक सौ से लेके तो तीस लाख तक की वैल्यू होती है मतलब एक जो मॉलिक्यूल है वो सौ सबस्ट्रेट को भी कन्वर्ट कर सकता है और तीन लाख तीस लाख तक के भी सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर सकता है ये करता कैसे है बाय रिड्यूसिंग दी एक्टिवेशन एनर्जी जो सबस्ट्रेट है उसको रिएक्शन में जाने के लिए एक एनर्जी की एक पुश की जरूरत होती है और उस पुश एनर्जी को जो है वो एंजेन क्या कर देता है वो कम कर देता है जिसके कारण सबस्ट्रेट जो है वो बहुत ईजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है लाइक दिस इन द लास्ट जो एंजाइम है वो फिर से हमें रीजनरेट हो जाएगा ये फिर से सबस्ट्रेट को यूज करेगा तो एक मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम इज जनरेटिंग टू मच ऑफ प्रोडक्ट बाय दिस सेम सबस्ट्रेट ठीक है तो ये प्रोग्रेस ऑफ रिपोर्ट आपको इधर लिखना है एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो है हमको इस तरफ मेंशन करना है तो बाय दिस मैकेनिज्म बाय दिस पिक्चर इट इज क्लियर कि हाउ द एंजाइम्स आर शोइंग देयर कैटालाइटिक प्रॉपर्टी अब हमारी दूसरी जो बची हुई है वो हम देख लेते हैं हम दूसरी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं एंजैम की और वो है रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन एंजैम जो है जब किसी भी रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं तो ये जनरली देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द एंजैम जो हैं जब रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं तो वो रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल इन नेचर होती है रिवर्सिबल इज नेचर मतलब रिएक्शन में हम जो एरो लगाते हैं वो कुछ ऐसा लगाते हैं या फिर हम इस तरीके से एरो को डिनोट करते हैं ठीक है तो मोस्ट ऑफ दी रिएक्शन दैट विल बी कैटेलाइज बाई एंजाइम्स आर रिवर्सिबल नेचर बट नॉट ऑलवेज ठीक है तो फिर ये किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल होगी और कौन सी रिएक्शन नॉन रिवर्सिबल होगी मतलब इरिवर्सिबल होगी जो कि रिवर्सिबल नहीं होगी तो ये डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल पे सेल जो है उसकी रिक्वायरमेंट पे ये डिपेंड करता है अगर वो सेल को वो प्रोडक्ट ठीक है या वो रिएक्टेंट जो है वापस से चाहिए होता है तो फिर वो उसको रिवर्सिबल इन नेचर में गवर्न करती है ठीक है तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल टिश्यू या ऑर्गन पे या हम बोलेंगे बॉडी के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि जो एंजाइम जो किसी रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है वो रिवर्सिबल इन नेचर होगी या इन रिवर्सिबल इन नेचर होगी ठीक है समटाइम्स ये भी देखा गया है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है ठीक है मतलब ये रिएक्शन जो है इस डायरेक्शन में गई मान लीजिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी बना है प्रोडक्ट तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो किसी एक ई वन के द्वारा कैटेलाइज की गई और जो बैकवर्ड रिएक्शन है जो वापस जाएगी वो किसी ई टू के द्वारा टेलाइज की जा रही है तो दी ऐसा भी होता है रिवर्सिबिलिटी में कि जो डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरह की रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं ठीक है सेम एंजाइम भी हो सकता है डिफरेंट एंजाइम भी हो सकते हैं और सम एंजाइम्स रिटिक रिएक्शन आर नॉट रिवर्सिबल इन नेचर इट मीन दे आर इिवर्सिबल इन नेचर ठीक है फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं जैसे कि पायरुवेट का लेक्ट्रेट में बनना दिट इज रिवर्सिबल इन नेचर ठीक है इन प्रेजेंस ऑफ लेक्टेड डिहाइड्रेट अगर बेड ये रीजनरेट होकर पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं होगा तो बॉडी के पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि वो इस पायरुवेट को फर्दर यूटिलाइज कर पाए लेक्टेड बन डिपॉजिट हो जाएगा या लेक्टिक एसिड बन के डिपॉजिट हो जाएगा तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल इन नेचर है लेकिन ग्लूकोज का ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्ट होना इज इन रिवर्सिबल रिएक्शन ये

कोई भी रिएक्शन अगर एंजाइम की रिवर्सिबिलिटी या एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होगी या इरिवर्सिबल रिवर्सिबल होगी ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है किसी पर्टिकुलर ऑर्गन या ऑर्गनल्स की सेल ऑर्गेनल्स की रिक्वायरमेंट क्या है वो उस रिएक्टेंट को या सबस्ट्रेट को वापस से रीजनरेट होके उसका उसके लिए वो यूजफुल है या नहीं तो ये इस पर डिपेंड भी करता है दूसरे जो दो प्रॉपर्टीज हैं दैट विल बी द सेंसिटिविटी टू द टेम्परेचर और सेंसिटिविटी टू द पीएच सेंसिटिविटी ऑफ द टेम्परेचर एंड सेंसिटिविटी ऑफ द पीएच मतलब टेम्परेचर से सेंसिटिव होना इसका मतलब यह कि थर्मोलेबाइल इन नेचर होना मतलब यह कि अगर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को बढ़ाते चलेंगे तो एंजाइम की रिएक्टिविटी का रेट जो है या वेलोसिटी या स्पीड जो है वो भी बढ़ती चलेगी और एक ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पे पहुंच जाएगी एक उस पॉइंट पे पहुंच जाएगी टेम्परेचर पे जहां पे कि वो अपनी मैक्सिमम कैटालिटिक एक्टिविटी शो करेगा इसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं किसी भी पर्टिकुलर एंजाइम का ठीक है उसके बाद अगर हम बढ़ाएंगे इसको हम ग्राफिकल उससे समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ठीक है मैं एक ग्राफ बनाता हूं ठीक है यहां पे हम लिख ले इसको ग्राफ को ऐसा तेरबला फॉर्म में बनेगा चलिए ठीक है तो ये क्या है रेट ऑफ रिएक्शन और ये क्या है टेम्परेचर इस तरफ टेम्परेचर जो कि बढ़ रहा है तो इनिशियली जब हमने एंजाइन्सटेट को करा मिक्स किया तो इनिशियली जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी बढ़ता चल रहा है टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी बढ़ता चल रहा है और ये एक ऐसे टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा जिस पे की रेट ऑफ रिएक्शन जो है उस एंजाइम का वो मैक्सिमम होगा है ना क्या होगा मैक्सिमम होगा इसे हम बोलते हैं इस पॉइंट को टी मैक्स मतलब वो टेम्परेचर मैक्सिमम है जिस पे की एंजाइम जो है अपनी मैक्सिमम कैटालिटिक एक्टिविटी को शो कर रहा है ठीक है तो टेम्परेचर जो है उसको हम यहां पे शो करेंगे और ये वाला पॉइंट जो है वो उसके मैक्सिमम या हम इसको वो और भी एक नाम बोलते हैं दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या बोलते हैं हम इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर तो ऑप्टिमम टेम्परेचर किसी भी एंजाइम का वो टेम्परेचर है जिसपे कि वो अपनी मैक्सिमम कैटेलाइटिक एक्टिविटी देता है अगर हम फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर में तो रेट ऑफ रिएक्शन यहां से बढ़ने की बजाय जो है वो घटने लगती है ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एंजाइम है वो केमिकली प्रोटीनस इन नेचर और हमने देखा था कि प्रोटीन का कौन सा नेचर है टर्शरी या क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है उसका ठीक है जनरली दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन तो केमिकली हम जानते हैं कि जो एंजाइम है वो प्रोटीनस इन नेचर है अगर हम प्रोटीन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा जो टर्शरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर जो बने होते हैं इसमें बहुत सारे दूसरे बॉन्ड्स जो इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि डाइसल्फाइड बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड वाल फोर्सेस ठीक है दूसरे बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि इसके स्ट्रक्चर को बनाए रखने के काम आते हैं ठीक है अदर देन पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा ठीक पेप्टाइड बाइंड तो में ये चूंकि कॉम्प्लेक्स होते हैं तो दो लंबी लंबी चेन ऑफ अमाइनो एसिड आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था ठीक है तो टर्शरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ये काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं इसमें अलग अलग ग्रुप्स और ऐसे गुच्छे से होते हैं और ये जो जिस फॉर्म में बने रहते हैं जिस ओरिएंटेशन या कंफर्मेशन में जमे रहते हैं उसके लिए ये बॉन्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब हम टेम्परेचर को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर से और बढ़ाते हैं तो ये टेम्परेचर क्या करता है इन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है ये बॉन्ड ब्रेक होने से क्या होता है जो टर्शरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम है या प्रोटीन का है वो क्या होने लगता है डिस्टर्ब होने लगता है या हम बोलें कि वो डिस्ट्रॉय होने लगता है जब ये स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है तो एंजाइम अपना कंफर्मेशन चेंज कर देता है कंफर्मेशन चेंज होगा या डिस्ट्रॉय होगा तो हमने एक शुरू में वर्ड पढ़ा था उसको हम बोलते हैं मैं यहां लिख लेता हूं अभी उसको बोलते हैं हम सबस्ट्रेट साइट ठीक है अगर आपको टेम्परेचर समझ में आ जाएगा तो पीएच बिल्कुल सिमिलर है ठीक तो सबस्ट्रेट साइट जो है वो डिफॉर्म हो जाती है क्या हो जाती है डिफॉर्म हो जाती है जी ये सबसेट साइट वो साइट है जहां पे जाके सबसे जुड़ता है एंजाइम में तो अगर एंजाइम का शेप जो है चूंकि टेम्परेचर ज्यादा होने से उसका डी हो गया क्या हो गया डी हो गया टेम्परेचर ज्यादा होने से एंजाइम में प्रेजेंट प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो गया डी हो गया तो सबसे टाइट डिस्टर्ब हो गई डिफॉर्म हो गई तो सबसे जो उस पर जुड़ नहीं पाएगा तो वो किसी तरह की एंजाइमेटिक या कैटालाइटिक एक्टिविटी को नहीं दे पाएगा तो जी, हम जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर उसमें डिग्रेडेशन होने लगता है सिमिलरली जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे पीएच में तो पीएच का भी तो हम यहां पर लिख लेते हैं सेंसिटिविटी टू पीएच दैट विल बी आवर फोर प्रॉपर्टी फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है ठीक है तो सेंसिटिविटी ऑफ द पीएच जब हम बोलेंगे तब भी हमको ऐसा ही होगा सेंसिटिविटी ऑफ द पीएच में भी सेम ग्राफ आएगा दिखने में एक जैसा अब हम ये जानते हैं कि अलग अलग एंजाइम अलग अलग पीएच पे वर्क करता है तो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन है और यहां पे पीएच है ठीक है तो जैसा कि हमको यहां पे ऑप्टिमम टेम्परेचर मिला था हमको यहां पे क्या मिलेगा ऑप्टिमम पीएच मिलेगा इसको क्या बोलेंगे हम ऑप्टिमम पीएच ये वो पीएच है जिस पे कि एंजाइम अपनी सबसे बेहतर और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कैटेलैटिक एक्टिविटी शो करेगा तो हम ये जानते भी है कि हमारी बॉडी में एलिमेंट्री केनाल में जो है डिफरेंट डिफरेंट हमारे मुंह में अलग तरह का एमाइलेज होता है जिसका पी एच सिक्स पॉइंट के सिक्स पॉइंट सेवन के आसपास होता है हमारे स्टमक में अलग एम हमारे सॉरी इंटेस्टाइन में का अलग एमाइलेज होता है जिसको हम पेंक्रेटिक एमाइलेज बोलते हैं वो अलग तरह के पी एच पे वर्क करता है वो बेसिक पी एच पे वर्क करता है तो डिफरेंट पीएच पे एक ही तरह के एंजाइम्स जो हैं वो डिफरेंटली वर्क करते हैं ये हम सब जानते हैं जैसे हमारे कुछ स्टमक में एंजाइम्स होते हैं वो जब आ, इंटेस्टाइन में जाते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इस इंटेस्टाइन के एंजाइम जो है वो स्टमक के पीएच पे कभी भी वर्क नहीं कर सकते तो हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम पीएच होता है और जब तक उसको इन्वायरमेंट वो नहीं मिलता है तो ये मैंने आपको कैरेक्टेसिटिक्स ऑफ एंजाइम जब पढ़ाया था तब भी ये बताया था कि एंजाइम्स जब भी अपनी कैटेलाइटिक एक्टिविटी को शो करते हैं तो उसके लिए उनका एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट की जरूरत होती है अपने एक स्पेसिफिक एनवायरमेंट में ही वो इस कैटेलाइटिक एक्टिविटी को शो कर सकते हैं ठीक है तो हमको सेंसिटिविटी ऑफ द पीएच सेंसिटिविटी ऑफ द टेम्परेचर और रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रियंजामेटिक रिएक्शन अब हम इसमें एक लास्ट पॉइंट देखेंगे दैट इज स्पेसिफिसिटी तो हमारा अब देख लेते हैं हम प्रॉपर्टीज़ में फिफ्थ प्रॉपर्टी दैट इज स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिसिटी मतलब कि एक पर्टिकुलर चीज पे ही एक्ट करेगा तो जैसे हम जानते हैं कि एंजाइम जो है वो अपनी कैटेलाइटिक एक्टिविटी जब देता है तो बहुत स्पेसिफिक इन नेचर होता है जब हम स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं तो हमने पांच छह तरह की जब हमने क्लासिफाई किया था डिफरेंट क्लास हमने बताई थी बहुत तरह की प्रॉपर्टीज़ तो उसमें स्पेसिफिसिटी को सबसे लास्ट में रखा था पाँचवें नंबर पर तो अब हम पाँचवें नंबर की प्रॉपर्टी देख रहे हैं दैट इज स्पेसिफिसिटी इस ये अलग अलग तरह की हो सकती है कोई भी एंजाइम कोई एक तरह की स्पेसिफिसिटी को भी शो कर सकता है और एक साथ दो तरह की स्पेसिफिसिटी को भी शो कर सकता है तो उसको बोलते हैं ड्यूअल स्पेसिफिसिटी है, है ना अगर दो एक तरह दो स्पेसिफिसिटी कोई एंजाइम एक साथ शो करेगा तो उसे हम बोलेंगे ड्यूअल स्पेसिफिसिटी तो वो हमने यहां पे नहीं समझाया हमने सब सिंगल स्पेसिफिसिटी लिए और उनके एग्जांपल्स लिए हैं ठीक है तो आपको ये बताना है कि किस तरह की स्पेसिफिसिटी ये होती है तो हम ने छह तरह की स्पेसिफिसिटी लिखी तो तो मैंने दो स्पेसिफिसिटी को मर्ज कर दिया है यहां पे कौन कौन सी सबस्टेट स्पेसिफिसिटी और रिएक्शन स्पेसिफिसिटी ये जनरली लगभग एक जैसी होती है ठीक है तो सबसे पहले सबस्टेट तो जैसे कि हम जानते हैं कि एंजाइम अपने एक्शन में बहुत स्पेसिफिक होता है अगर एंजाइम अपने एक्शन में स्पेसिफिक होता है तो वो पर्टिकुलर किसी सबस्टेट पे जाके ही बाइंड होता है

एंजाइम एक पर्टिकुलर किसी सबस्टेट को ही अपने अंदर एड होने देता है ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि माल्टेज माल्टेज एंजाइम है तो ये सिर्फ किसको अटैच होने देगा माल्टोज को ठीक है तो माल्टोज है हम देखते हैं यूरिएस तो ये किसको करेगा इसमें सबस्टेट कौन रहेगा यूरिया कार्बोनिक एनहाइड्रेज तो ये किसको सब इसका सबस्टेट कौन रहेगा कार्बोनिक एसिड तो दिस इज दबस्टेट स्पेसिफिसिटी हर एंजाइम एक पर्टिकुलर किसी सबस्टेट को ही अपने एक्टिव साइट या सबस्टेट साइट पे बाइंड होने देता है ठीक है इस कारण से वो सबसेट स्पेसिफिसिटी शो करता है ये ऑलमोस्ट सभी तरह के एंजाइम्स जो हैं वो इस तरह की रिएक्ट देते हैं दूसरी जो है वो रिएक्शन स्पेसिफिसिटी जो हम जानते हैं कि हमने जब क्लासिफिकेशन किया था एंजाइम्स को तो सात अलग अलग तरह के क्लासेस में किया था और वो किस बेसिस पे किया था कि वो किस तरह की रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं तो इसका मतलब यह है कि टाइप ऑफ रिएक्शन कटेलाइज बाय द एंजाइम इज द स्पेसिफिसिटी ठीक है तो हर एंजाइम एक अलग तरह की रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा और जब वो कैटेलाइज करेगा तो वो अपनी स्पेसिफिसिटी शो कर रहा है उस पर्टिकुलर रिएक्शन को मतलब जैसे कि रिडक्टेज एंजाइम जो भी होंगे जितने भी तरह के रिडक्टेज एंजाइम हमने देखे थे जैसे कि एल्कोहल डी हाइड्रोजनज मेलेड वो कभी भी ट्रांसफरेज रिएक्शन को शो नहीं करेंगे ना ही ट्रांसफर वाले जो एंजाइम तो है जैसे मिथाइल ट्रांसफरेज फॉस्फोरल ट्रांसफरेज है इथाइल ट्रांसफरेज एसिटाइल ट्रांसफरेज इस तरह के कोई भी एंजाइम कभी भी ऑक्सीडोरिडक्टेज एक्टिविटी शो नहीं करेंगे तो हर एंजाइम अपनी एक पर्टिकुलर रिएक्शन को देता है बाय ऐसा क्यों होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर सबस्टेट उसके एक्टिव साइड पे जाके बाइंड होता है तो इसके एग्जाम्पल हमने लिख लिए कि ऑक्सीडो रिडक्टेज ऐसी रिएक्शन नहीं देगा और ट्रांसफरेज जो है वो कभी भी ऑक्सीडो रिडक्टेज टाइप की एक्टिविटी रिएक्शन नहीं देंगे ठीक है तो ये हो गया हमारा कौन सा सबस्टेट और रिएक्शन स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम दूसरा आता है बॉन्ड स्पेसिफिसिटी बॉन्ड मतलब एंजाइम जो है वो जब किसी भी चीज पे एक्ट करेगा जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोलेज़ एंजाइम में तो वो पर्टिकुलर टाइप का बॉन्ड ही तोड़ेगा तो हमने जब ये देखे थे क्लासिफिकेशन देखे थे तो क्लासिफिकेशन जब हमने देखा था तो हमने देखा था कि बहुत सारे बॉन्ड क्लीवेज करते हैं हाइड्रोलाइसिस वाला भी करता है लाइज भी करता है ठीक है तो हमने जब वो देखा तो वो पर्टिकुलर बॉन्ड पे एक्ट करते हैं ठीक तो एक्ट ऑन ए पर्टिकुलर बॉन्ड एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ द बॉन्ड ठीक है जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड है अमाइड लिंकेज है एस्टर लिंकेज है बहुत सारे अलग अलग हमारे लिंकेज होते हैं ईथर लिंकेज है तो पर्टिकुलर एक तरह के लिंकेज पे ही वो जाके एंजाइम जो है क्या करेगा अपना एक्शन देगा जैसे कि ग्लाइकोसाइडेज ये किस तरह के बॉन्ड को तोड़ेंगे ग्लाइकोसाइड बॉन्ड को तोड़ेंगे ठीक है पैप्सिन एंड ट्रिप्सिन ये जनरली किस बॉन्ड को तोड़ते हैं पैप्टाइड बॉन्ड्स को ये काय में होते हैं अमाइनो एसिड्स में होते हैं ये बॉन्ड्स काय में होते हैं अमाइनो एसिड में प्रेजेंट होते हैं ठीक है जैसे कि स्टीरेज ठीक है तो स्टीरेज से हमको मालूम है कि कौन से बॉन्ड को तोड़ेगा

बॉन्ड को तोड़ेगा जो कि अल्फा वन फोर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड लिए हुए होता है तो दिस इज दी सबस्टेट एंड रिएक्शन स्पेसिफिसिटी एंड दिस वन इज़ बॉन्ड स्पेसिफिसिटी एक पर्टिकुलर बॉन्ड पे ही वो एक्ट कर रहा है ठीक है अब आ जाते हैं ग्रुप स्पेसिफिसिटी ग्रुप स्पेसिफिसिटी को हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी मतलब ये कि जब वो कोई बॉन्ड को तोड़ रहा है तो उस बॉन्ड के आसपास जैसे मान लीजिए कि दो बॉन्ड बड़े हुए थे ए और बी एक बॉन्ड है तो कोई जो बॉन्ड स्पेसिफिसिटी है वो इस बॉन्ड को तोड़ेगा इनरिस्पेक्टिव की ए और बी क्या है लेकिन ग्रुप स्पेसिफिसिटी क्या होगी कि जब वो कोई बॉन्ड तोड़ेगा तो वो ये भी देखेगा कि आसपास के ग्रुप उसके फेमिलियर है या नहीं अगर आसपास के ग्रुप फेमिलियर होंगे तो ही वो इस बॉन्ड का क्लीवेज करेगा ठीक है तो यहां पे लिखा है स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी मतलब वो स्ट्रक्चर जो है वो एक जैसा होना चाहिए तो ही वो उस बॉन्ड को क्या करेगा तोड़ेगा तो नॉट ओनली द बॉन्ड बट आल्सो द स्ट्रक्चर सराउंडिंग इट तो मतलब सिर्फ बॉन्ड ही टूटेगा नहीं उसके आसपास का स्ट्रक्चर सराउंडिंग कैसा है ये भी डिसाइड स्पेसिफिसिटी शो करता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन हाइड्रोलाइज पेप्सिन पेप्टाइड बॉन्ड तो ये भी हमने यहां पे एग्जाम्पल लिखा And trypsin, जो है वो अमाइनो एसिड के पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ते हैं so तब तो हमने, तो हमने देखा था कि जो डिफरेंट टाइप्स के क्लासेस देखे थे एलिफेटिक एरोमेटिक और हेट्रोसाइकलिक तो यहां पर कौन सा अमाइनो एसिड जो कि एरोमेटिक इन नेचर जैसे कि फिनाइलमीन ठीक और टायरोसिन ये दो तरह के एरोमेटिक हमने अमाइनो एसिड देखे तो 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 ये जब ग्रुप स्पेसिफिसिटी में पेप्टाइड पेप्टाइड भी जो है वो बॉन्ड को तो तोड़ेगा लेकिन वो उसी अमाइनो एसिड को तोड़ेगा जिसमें कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होंगे ठीक है ऐसी एरोमेटिक अमाइनो एसिड के बॉन्ड को वो तोड़ता है तो ये ग्रुप स्पेसिफिसिटी कहलाती है कि वो सराउंडिंग ग्रुप्स पे भी डिपेंड करेगा कि वो कौन से बॉन्ड को तोड़ेगा कौन से बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा ठीक है तो ऐसा नहीं है कि सभी जो एंजाइम्स हैं वो इस तरह की स्पेसिफिसिटी शो करते लेकिन एंजाइम्स इस तरीके की स्पेसिफिस शो करते हैं उनमें से कुछ एग्जाम्पल हम यहां पे देख रहे हैं दूसरा जो है वो है को फैक्टर स्पेसिफिसिटी अब को फैक्टर और को एंजाइम मैंने आपको बताया था प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में बताया था को फैक्टर क्या चीज है को फैक्टर वो नॉन प्रोटीनस पार्ट है ठीक है जो एपो एंजाइम के साथ जुड़ के होलो एंजाइम बनाता है तो को फैक्टर B, किस तरीके का होगा दैट आल्सो डिसाइड या को एंजाइम हम बोल सकते हैं को फैक्टर दो तरीके के हमने लिए थे को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप ठीक है तो यहां पे एग्जांपल क्या है ऑक्सीडो रिडक्टेज जो टाइप के जो एंजाइम से क्लासेस हमने जो पढ़ी थी सात क्लासेस उसमें पहला वाला ऑक्सीडोरिडक्टिस टाइप के जो एंजाइम से जब ये बायोसिंथेटिक रिएक्शन देते हैं तो जनरली जनरलींजाइम को एज ए यूज करते हैं एज ए रिडक्टेंट किस फॉर्म में एज ए रिडक्टेंट फॉर्म में यूज करते हैं वाइल जब ये डिग्रेटिव मतलब जब तोड़ने वाली रिएक्शन को ये कैटेलाइज करते हैं तो ये एनएडी को एज ए ऑक्सीडेंट जो है वो कोफैक्टर या को इंजाइम के रूप में यूज करते हैं तो एक ही तरह क्लास के एंजाइम अलग अलग तरह के या को या को को यूज कर रहे हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ द रिएक्शन ठीक है तो एक ही क्लास के एंजाइम अलग अलग को रिएक्शन अलग अलग हम ये बोल सकते हैं कि अलग अलग को फैक्टर और को एंजाइम जो है वो यूज कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं को फैक्टर स्पेसिफिसिटी ठीक है ये भी सभी एंजाइम शो नहीं करते कुछ ही एंजाइम शो करते हैं ठीक स्टीरियो स्पेसिफिसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी में जैसे कि हम जानते हैं कि आपने हमने ग्लूकोज पढ़ा था तो ग्लूकोज जब पढ़ा था तो हमने यह देखा था कि जो सिर्फ डी ग्लूकोज है वो ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है एल ग्लूकोज नहीं होता क्यों क्योंकि वो स्टीरियो स्पेसिफिक है ठीक है डी ग्लूकोज ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है हमने ग्लूकोन डी सुना है दूसरे जो प्रोडक्ट सुनते हैं हमेशा हम ग्लूकोन डी ऐसी नाम सुनते हैं डी लगा रहता कभी एल नहीं सुना ग्लूकोन एल नहीं सुना ठीक है कभी नहीं सुना होगा ठीक क्योंकि वो स्टीरियो स्पेसिफिक है हमारी बॉडी जो है वो सिर्फ डी ग्लूकोज को ही एब्जॉर्ब करती है इसलिए इसी तरह से एंजाइम्स भी जो है वो स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर होता है जैसे कि वो पर्टिकुलर ऑप्टिकल कंफर्मेशन पे ही वो एड होंगे ठीक है तो जब सबस्टेट उस पर एड हो रहा है जब सबस्टेट एड हो रहा है एंजाइम पे तो सबस्टेट का ऑप्टिकल कंफिग्रेशन वैसा ही होना चाहिए जो कि एंजाइम चाहता है अगर नहीं होगा तो वो फिट ही नहीं होगा ठीक तो ऑप्टिकल कंफिग्रेशन इसमें बहुत कॉमन है जैसे डीएल और एल डेक्सट्रोलोटेटरी और लिवोलेटरी है, पढ़ते हैं तो डीएल और एल तो एग्जाम्पल भी हमने लिखा एन अमाइनो ऑक्सीडेज एल अमाइनो ऑक्सीडेज जो है वो एल अमाइनो एसिड्स पे एक्ट करेगा डी अमाइनो एसिड्स पे कभी भी एक्ट नहीं करेगा इसका एक एक्सेप्शन है सिर्फ एक जगह किडनी में ऐसा होता है किडनी में जो डी अमाइनो एसिड डी अमाइनो डी अमाइनो ऑक्सीडेज जो है वो एल अमाइनो ऑक्सीड अमाइनो एसिड को ऑक्सीडाइज कर देता है ना तो वो एक जगह एक्सेप्शन है तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं हम ये वाला एग्जाम्पल लिख सकते बहुत सिंपल एग्जाम्पल जो है वो है अल्फा एमाइलेज अब जब हमने ग्लूकोज पढ़ा था और उसमें डाई पढ़े थे डाई में जब हम पढ़े थे तो हमने मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्च मॉलिक्यूल और ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल ठीक है सॉरी सेल्युलोज स्टार्च और सेल्युलोज में जो डिफरेंस होता है वो बॉन्ड का होता है ठीक दोनों में शुगर मोइटी होती है तो अल्फा एमाइलेश जो है वो अल्फा वन फोर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ही तोड़ेगा बीटा वन फोर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएगा बीटा वन फोर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो सेल्युलज में होता है तो हमारी बॉडी इसलिए किसी भी सेलोलोज को जो पचा नहीं पाती है ठीक है क्योंकि अल्फा एमाइलेज जो है वो सिर्फ अल्फा वन फोर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ही तोड़ पाता है स्टार्च में ये सिमिलर एग्जांपल हमने बॉन्ड में भी लिखा था ठीक है सिमिलर एग्जाम्पल है अलग से कोई एग्जाम्पल हमने नहीं यहां पे याद किया तो ये हमने वहां पे इसलिए जो बायोमालिक्यूल्स हम पढ़ते हैं उसको हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है ताकि हमको यहां पे कहीं पे भी कंफ्यूजन समझ में ना हो ठीक तो ये हमारी सभी तरह की प्रॉपर्टीज हो जाती हैं एंजाइम्स की एंजाइम्स की पांच तरह की प्रॉपर्टी हमने देख ली है अब इसके बाद हम देखेंगे एंजाइम्स की काइनेटिक वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तब तक अपना ध्यान रखिए